सो गाइस फाइनली आज हम रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं हमारे गिव अवे का, कि किसे कौन सी फिश मिली है, कौन है वो लकी विनर्स, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है गाइस, काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सबको, और हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि भले उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, वो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, वो भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो हमारे सभी व्यूअर्स को मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से ये 2K सब्सक्राइबर रीच हुए थे और मैंने ये गिव अवे रखा हुआ है। सो चलिए गाइज, अभी आपका ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ, हम आपको रिजल्ट इसमें बता देंगे, तो वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एडवेंचर। सो गाइज, जैसे कि आज मैं गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ, सो गिव अवे अनाउंस करने से पहले मैं बस आप लोगों से यही चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जिसे सिलेक्ट नहीं किया वो डिजर्विंग नहीं है, या तो फिर जिसे सिलेक्ट किया सिर्फ वही डिजर्विंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा फर्स्ट गिव अवे है, जिस वजह से मैंने इसको पर्सनल सिलेक्शन पे ही रखा था, ऐसा कोई आपको नहीं बोला था आपको जैसे कोई कंपटीशन मैंने आप लोगों में करवाया, या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, जिसको ज़्यादा लाइक्स आएंगे जिसके कमेंट्स को उसको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मैंने किया है। क्योंकि आफ्टरऑल देखिए, डिस्कस कीपिंग जैसे आप लोगों को भी पता है कि थोड़ा सा क्रिटिकल ये रहता है उस हिसाब से, और मेरा फर्स्ट टाइम गिव अवे था, तो मैं चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि मतलब हम किसी ऐसे शख्स को दे दे जो उसको ठीक तरीके से केयर ना कर पाए, क्योंकि ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उससे गाइज ये होगा, देखिए डिस्कस को तो प्रॉब्लम होगी, मुझे भी बुरा लगेगा क्योंकि मैंने इतना उनको रेज किया है, और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो, एंड लास्ट थिंग वो जब ठीक से उसे नहीं पाल पाएगा तो उनका भी हॉबी खराब होगा। सो अगर कोई इंसान जो अभी सीख रहा है, अगर वो पहले सीख जाए उसके बाद उन्हें मिले तो वो ज़्यादा बेटर है, सीख जाए इन द सेंस नॉर्मली उनको एक आइडिया आ जाए किस तरीके से रखना चाहिए। आफ्टरऑल पूरी तरीके से तो एक्सपीरियंस के बाद ही वो सीखेंगे, वो तो जाहिर सी बात है, बट स्टिल किसी को अगर मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है और अगर वो विन कर जाते हैं तो शायद उसमें दिक्कत आ सकती है। सो इसीलिए मैंने जो भी सिलेक्शन किया है गाइज, प्लीज़ इसको पॉजिटिवली लेना, आप सारे लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये हमारा फर्स्ट गिव अवे है लेकिन ये लास्ट गिव अवे नहीं है। ये एक बार पूरा अच्छे तरीके से मैं इसको जब एग्जीक्यूट कर दूंगा, जब आपको सारे फिशेस डिलीवर हो जाएंगे, मुझे एक आइडिया आ जाएगा ये किस तरीके से किया जाता है, उसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। ये मैं आप लोगों को कन्फर्म बात एक बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट गिव अवे और गिव अवे हमारे चैनल पे होते रहेंगे। आफ्टरऑल ये चैनल पे जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस पर मेरा मेन मकसद यही है कि उससे आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके, फायदा इन द सेंस नॉलेज देके तो मैं आपको फ़ायदा कर रहा हूँ, बट फिशेज में भी अगर हम हॉबी को प्रमोट करें तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि शायद ज़्यादा लोग नहीं करते, बहुत कम लोग कर रहे हैं, और मैं चाह रहा था कि मैं भी उन कम लोगों में से एक बनूँ जिस वजह से मैंने ये रखा हुआ है। सो चलिए गाइज, अभी मैंने आप लोगों को तो बहुत वेट करा लिया है, सो और ज़्यादा वेट कराए बिना मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बता देता हूँ। सो सबसे पहले मैं जो थर्ड है उनका बताऊँगा, थर्ड जिसका मैंने आपको कहा था कि उन्हें गप्पी दिया जाएगा 2 pairs, ठीक है। सो थर्ड जो है इंस्टाग्राम पे जैन नाम से है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन जैन, गप्पी के लिए मैंने आपको सिलेक्ट किया है, आपको 2 pair प्लेटिनम रेड टेल डम्बोयर्स की गप्पी दिए जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड है, सेकंड मैंने बताया था कि बेटा का मेल दिया जाएगा, सो सेकंड जिन्हें मिला है उनका नाम है पार्थ देसाई। सो पार्थ देसाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो, तुमको जो है बेटा का एक मेल मिला है हमारे तरफ से एज ए गिव अवे, ठीक है। और जो हमारे लास्ट है, लास्ट इन द सेंस देखा जाए तो वो फर्स्ट है, जिन्हें डिस्कस 6 pieces जो हमारे होम रेज्ड है वो उनको मिलने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग चाह रहे थे मैं उन्हें दूँ, बट गाइस आपको भी पता है कि मैं भी मजबूर हूँ, मैं किसी एक को ही दे सकता था, और आप इतना मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं जिसे भी दूंगा वो उसको बहुत अच्छे तरीके से केयर करेगा, और हम आगे भी अच्छे अच्छे गिव अवेज करते रहेंगे, तो जस्ट आप ट्रस्ट रखिए और सपोर्ट करते रहिए। सो मैं आपको बता देता हूँ कि किसे मैंने दिया हुआ है डिस्कस। सो डिस्कस जो जीते हैं उनका जो नाम है इंस्टा पे dd.hobbies, सो डिस्कस उनको जा रहे हैं हमारे तरफ से, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल।
बस यही आपको मैं रिजल्ट आज बताना चाह रहा था। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें मिले, लेकिन गाइज मैं हर किसी को फ़िलहाल नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हमारे चैनल पे हम गिव अवेज करते रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा, देखिए डिस्कस तो नहीं, लेकिन जो हमारे पास बेटाज है और गप्पीज है उसमें से मैं शायद रेंडमली कोई और लकी विनर्स को सिलेक्ट करके इंस्टा पे मैं डायरेक्टली उन्हें अपडेट करूँगा, शायद नहीं फॉर श्योर मैं करूँगा गाइज, ये चीज़ 100% मैं करूँगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि मैं एक करने वाला हूँ या दो करने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को करूँगा और मैं उनको इंस्टा पे DM उस चीज़ के लिए करूँगा। जितने भी लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें से मैं कंसिडर करूँगा। फिलहाल जो हमारा रिजल्ट है ये फाइनल है, थर्ड जिन्हें मिला है गप्पीज उनका नाम है जैन, सेकेंड जिन्हें मिला है प्लैकेट। सो गाइज थोड़ा घाई घाई में हो रहा है क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे वीडियो अपलोड करने, बट बस ये रियल टाइम ही मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। सो सेकेंड जिन्हें मिला है उनको बेटा मिला है हमारा जो वाइट मेल है वो, और जिसे फर्स्ट मिला है डिस्कस उनका नाम है DD हॉबीज। सो बस गाइज आज आपको यही रिजल्ट्स मैं बताना चाह रहा था, और जैसे मैंने बताया इंस्टा पे मैं आप लोगों को DM करूंगा जिन्हें मैं एज अ गुडविल जेस्चर ही मेरे तरफ से गप्पीज और बेटा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दीजिए, मैं फॉर श्योर आपको उसके लिए DM करूँगा। सो आज का वीडियो बस यहीं पर हम एंड करते हैं, बाकी तो आपको पता ही है अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वगैरह है नहीं, सो टोटली ये आपका डिसीजन है, बट हाँ आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 विनर्स जिसका नाम मैंने अभी अनाउंस किया है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सो हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैप्पी फिश कीपिंग।